उमरिया में बिजली के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी जगदीश सोनी भी इस घेराव में शामिल हुए, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसी दौरान नेताओं को पीछे करने के लिए वाटर कैनन सहित हल्का बल प्रयोग भी किया गया। जिला मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची, जहां सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट का घेराव करने सामुदायिक भवन से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया, जहां जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को इतर बितर करने पानी की बौछारें की। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और संगठन प्रभारी जगदीश सैनी भी शामिल हुए। बता दें कि लगातार पूरे जिले में खराब ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा नहीं बदलने और बिजली के भारी भरकम बिल और भ्रष्टाचार से तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया है। उमरिया से राष्ट्रीय मिश्रा की रिपोर्ट।